नमस्कार दोस्तों, पहचाने? अरे मौसी, कहाँ चली गई थी तुम इतने दिन? मौसी? कौन सी मौसी? उस कलेसी औरत का नाम मत लिया करो मेरे घर में। एक बार नहीं, 75 बार समझा चुकी हूँ मैं तुझको। जब भी आती है डायन, कलेस ही मचा के जाती है। मौसी मौसी मौसी, बढ़िया ही मौसी। निकल यहाँ से, जा काम कर, जाके अपना होमवर्क। मौसी, दोस्तों मेरा नाम है हितैषी, हितैषी चाची। हितैषी मेरा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं किसी का हित होते हुए नहीं देख सकती, देखा ही नहीं जाता है मुझसे। और आज मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि अहित हो रहा है, भारी मात्रा में हो रहा है। मतलब हमारे बाल बच्चों के जीवन में है यूट्यूब ऐड, स्पॉटिफाई ऐड, फलाना ऐड, धमाका ऐड, इतना ज़्यादा आ चुका है कि इतने उनके जीवन में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं आई थी, मैं उसके स्कूल नहीं गई हूँ इतना। मतलब मेरा बच्चा पूरा दिन मेहनत करके पढ़ के आधे घंटे के लिए फोन चलाने बैठता है, उस आधे घंटे में तुम उसको 20 मिनट का ऐड दिखाते हो। चलो उसका समझ में आता है कि लौंडे लफाड़े हैं, कोई बात नहीं, दिखा दिया। मैं, मुझे क्यों, मेरी क्या गलती है? मतलब मैं अपने बाल बच्चों को, परिवार को खुश करने के लिए कुछ खाने पकाने का देखती हूँ, तुम उसमें ऐड चला देते हो। बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, माचिस की तीली, फूके नशा क्यों ना, सही बताओ। ये ऐड तुम उस महिला को दिखा रहे हो जिससे घर में 2 लीटर माजा की बोतल बिना फाइनेंस किए नहीं आती है। बिजली मेरे घर में छुट्टन के घर से कटिया फंसा के चलती है। अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, कल ही का बात ले लो, मेरे घर में मंजन खत्म हो गया था 6:30 बजे सुबह के। सबने हाहाकार मचा दिया, मंजन मंजन दे दो, मंजन दे दो, ए मंजन मंजन मंजन, ऐसे कर रहे थे सब। मेरी सास आई, बोली कोलगेट के पेस्ट को बीच से काट दो, सब मंजन कर लेंगे। फिर क्या हुआ दोस्तों, काट दिया मैंने, कर लिया सबने मंजन। और जिस आदमी का तुम ऐड दिखा रहे हो ना, जो अपनी बीवी को हीरो का हार पहना रहा है, शीशे में देख रहा है, उस आदमी का नाम अमिताभ बच्चन है। मेरे पति का नाम गुड्डू है। गिफ्ट के नाम पे मेरे घर में धनिया के साथ 4 मिर्ची फ्री आते हैं, उसको गिफ्ट कहते हैं। ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे मैं अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, तिनका तिनका जोड़ के। ऐड दिखा रहे हो बंगला, गाड़ी, झुमके, कंगना, क्या है ये सब, है क्यों कर रहे हो ये सब? ये सब तो फिर भी ठीक है, मेरे मिस्टर सुबह नहाने के बाद हनुमान चालीसा सुनने बैठते हैं, तुम उनको ऐड में दिखा देते हो 10 पसीज। तो मैं गाना लगाती हूँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, तुम दिखा देते हो मुझे संदीप माहेश्वरी। आसान है? नहीं है। हम तुम्हारे ऐड के खिलाफ नहीं है, ऐड तुम दिखाओ, जी भर के दिखाओ, लेकिन कोई एक दिन निश्चित कर लो, मुझे बैठा लो, मैं शपथ खाती हूँ अन्न जल त्याग के तुम्हारा ऐड देखूंगी 24 घंटे। लेकिन ये रोज रोज हर 5 मिनट के गाने में 3 मिनट का ऐड मत दिखाया करो। किसी दिन मेरा दिमाग सनक गया, मेरे हत्थे चढ़ गए, मैं नरकसी में बैठ के जान ले लूंगी तुम्हारा। दिखा लेना फिर तुम ऐड जी भर के। चाची का आपसे अनुरोध है, बहुत विनम्रता के साथ, कि ऐड बैड दें तो ऐसे दें जो कि हम ले पाएं। हमारी औकात से बाहर के ऐड देकर हमारा अपमान ना करें, हमारा दिल दुखता है, यहाँ तकलीफ होती है हमको दिल में। आज्ञा से हितैषी चाची हमेशा आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगी। कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली आवाज़ किस मुद्दे पर उठाएं। हितैषी चाची को वोट देने के लिए यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पे भी दबा दें, हाथ रख दें, जिससे कि हम जब भी आएँ तो घंटी बजा कर आएँ। नमस्कार, वीडियो को बहुत प्यार दें, शेयर करें, तहलका मचा दीजिए।